Subscribe and press the bell icon for latest update. आजकल पकौड़े को लेकर बहुत राजनीति हो रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बयान के पीछे बहुत से सरकार के वो वादे छिपे हैं जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर पाई। बहरहाल अभी पकौड़ा विवाद थमा ही नहीं था कि अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नया बयान देश में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। आपको बता दें कि रोजगार के मामले पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि हर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। कोई भी सरकार यह नहीं कह सकती कि वो सभी को रोजगार देने में सक्षम है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि शिक्षा का मतलब रोजगार देना नहीं होता, लेकिन इससे खुद में सुधार दिखता है। पकौड़े पर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि यह हर किसी के काम करने के तरीके पर निर्भर करता है, पकौड़ा बेचना भी एक काम है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि इलेक्ट्रीशियन, टेलर और सैनिटरी जैसे हर क्षेत्र में लोगों की भारी कमी है। प्लम्बर से लेकर फॉल सीलिंग तक हर क्षेत्र में कुशल मजदूरों की कमी है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं मुहैया कराएं तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। आपको इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत चीजों में सुधार लाना होगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।